मैं क्या बोल रही थी अगर मैं वैलेंटाइन डे पर आपके साथ ऐसे शादी करूं किसी को। अच्छा ये खासियत है इसमें, बेइज्जती मार रहे हो, तारीफ कर रहे हो। अरे क्या पहन लिया यार ये, आज तो मैंने बहुत सारे कपड़े पहन लिए। चलो जाओ फोन कर उसको। हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू वेरोनिका लाइफ स्टाइल। मेरा नाम है सोनाली सक्सेना एंड मेरे साथ आज मेरे हस्बैंड भी हैं, बिकॉज हम साथ में एक वीडियो शूट करने वाले हैं। खैर सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं क्या बोल रही थी मैं अपने ही चैनल का इंट्रोडक्शन दे रही थी। सो गाइज, इस चैनल पर मैं फैशन रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपको ईजिली मिल पाए। सो गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हस्बैंड रिएक्शन। मैंने कुछ कपड़े डिसाइड कर रखे हैं, रखे हुए हैं साइड में, और उनको मैं लाइक वो ना सारे के सारे जो आउटफिट है वो अभी अपकमिंग जो हमारा इवेंट आने वाला है वैलेंटाइन डे, उससे कनेक्टेड है। सो मैं उन आउटफिट को वियर करूंगी एंड फिर आप मुझे किस तरह के वियर करेंगे, बना बना के सारी चीज वियर करेंगे और हम इनका जो है रिएक्शन देखेंगे कि उनको कैसे लगते हैं और इनका क्या रिएक्शन निकल करके आता है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 5 आउटफिट है और ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आप रेडी हो? रेडी। डर तो नहीं लग रहा? तो अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, देखी देखी सी लग रही है ड्रेस मुझे। ये मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, ये मैंने ना पहले कभी भी नहीं पहनी है। देखी देखी कैसे लग रही है? आपने लग रहा है कुछ इस ड्रेस का कुछ बना लिया है, नीचे का अलग ऊपर का अलग। ये टॉप मैंने जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ऑर्गेनिक से लिया है, रिसेंटली। तो मैंने बना कैसे लिया? ठीक है, ओके 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 लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है? गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी इन महाशय को, तो इतनी अच्छी लग रही। और ये जो है ना, ये एक ड्रेस थी जिसको मैंने स्कर्ट करके पहना है। थोड़ा टाइम पहले मैंने इसको एज अ ड्रेस पहना था, तब इनके साथ मैं शूट पर गई थी, तब इन्होंने देखी थी, वही इनको याद आ रहा है। तो मैंने इससे एक जो ड्रेस इसका ऊपर का वाला जो पार्ट था उसको अंदर कर लिया है और इसको एज अ स्कर्ट की तरह वेयर किया है। एंड साथ में मैंने इसके साथ पिंक कलर का टॉप वेयर किया है एंड दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सो अगर आपके पास कोई नेट की ड्रेस है तो आप उसको एज अ स्कर्ट करके वेयर कर सकते हो एंड उसके साथ कोई पेयर अप करके टॉप वेयर कर लो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। तो आप इस तरीके से यू नो स्टाइल कर सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आपको अच्छा नहीं लगा? ठीक है, ओके 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 ओके, कुछ खास नहीं लगा? अगर मैं वैलेंटाइन डे पर आपके साथ ऐसे जाऊंगी तो किसे लोगे? नहीं नहीं लगी अभी वो मैं बेच जाती। हाँ अच्छी तो लग रही है, लेकिन ये अच्छी लग कैसे रही है? ये तो इतनी ब्यूटीफुल है, एक बार जरा घूमने, जरा पलट के दिखाने, एक बार जरा बाल ऊपर करना, एक बार ये जुल्फे हटाना। अच्छा ये खासियत है इसमें इनकी, गाइस कोई भी ड्रेस हो ना कटी फटी जरूर होगी कहीं ना कहीं से। आजकल अगर कटी फटी नहीं होगी तो वही तो डिजाइन होता है, वही तो स्टाइल होता है। वही तो जब तो मैं कहूँ इनका राज क्या है, तो पता लगा मुझे इनका राज ये है एक्चुअली। गाइस कोई भी आउटफिट होगी तो यार ये कोई कटी पिटी नहीं बोलते इसको, इसको स्टाइल बोलते हैं, ये इसका डिजाइन है, इसको बैकलेस बोलते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसमें और है क्या खास बात इस ड्रेस में? एक तो इसका नेक है, सेकंड चीज इसका बैक है, यही तो अच्छी बैक बात में है ही नहीं गाइस कुछ भी है। गाइस देखो ये है, ये है और ये इतना सुंदर लग रहा है। ये बस एक छोटी सी एक लेयर सी बना रखी है पीछे बैकलेस इतना तो है, आप शुक्र मनाओ आजकल ड्रेसेस जैसे अरे इतना भी नहीं होता और इतनी सुंदर लगती है। हमारी बैकलेस देखो गाइस हमारी कितनी अच्छी है। हो गया। ये तो अच्छी लग रही है वैसे। ये पता है मैंने लास्ट ईयर ली थी अर्बेनिक से और अब वहां पर नहीं मिल रही है, बट ये बहुत अच्छी लग रही है। साथ अभी इसमें तुम घर में बैठ के खाना खा सकते हो, मतलब बाहर ना चलना मेरे को इसकी। क्या इसमें तो कोई कमी भी नहीं है? अभी तो कह रहा हूं घर में बैठ के आप खाना खा सकते हो, साथ में बैठ के। हां बस ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, अच्छी लग रही है। इसमें कमी क्या लग रही है? कमी क्या है इसमें? नहीं परफेक्ट है, जब तो कह रही हूं घर में बैठ के आराम से खाना। इसकी फिटिंग सबसे अच्छी, तो अच्छा सबसे अच्छी क्या लग रहा है? इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लग रही है, मैंने खुद ही बोला। हां इसकी फिटिंग बहुत प्यारी है, फिटिंग भी अच्छी है,
ये थोड़े बहुत कपड़े खान लग रहे हैं अभी कुछ के। ये कट भी मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लगी एंड काफी कंफर्टेबल है एंड पूरा दिन आप इसको वेयर कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, बहुत प्यारी ड्रेस है। ठीक है, अच्छी लग रही है भाई, ठीक है भाई, घर में ही पहनना, बाहर मत चलना इसको पहन के मेरे साथ। बेइज्जती मार रहे हो कि तारीफ कर रहे हो? बेइज्जती मार रहे हो कि तारीफ? नहीं तारीफ तो, एक ड्रेस की भी तारीफ करी है, बहुत अच्छा भी लगता है, ये अच्छी लगती है, ये अच्छी है, लेकिन ना ऐसे बाहर पहन के मत जाना, ऐसे मेरे साथ ड्रेस करना कोई बात नहीं, बेइज्जती मार दी, तारीफ क्या करी है, किसी आउटफिट की तारीफ नहीं करते, मेरे किसी कपड़े की तारीफ नहीं करते, सारे कपड़े मेरे बेकार लगते हैं। घर पे पहनने के लिए कुछ, घर पे जब पजामा टी शर्ट पहनती हूँ ना वो बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई कमी नहीं लगती। और या फिर जो फुल स्लीव्स के कपड़े होते हैं ना जिसमें फुल बाजू हो, वो बहुत अच्छे लगते हैं जनाब को, और बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे क्या पहन लिया यार, ये तो अब तक की सबसे बढ़िया ड्रेस है, मतलब तो क्या है, नीचे का तो फिर ठीक तो है, नीचे का तो फिर भी ठीक है, ऊपर का एक मिनट रुको तुम, बिल्कुल ही मतलब सबसे बढ़िया ये पहनो, अब फिर भी ठीक है, इसको ऐसे डाल के रखो, दिखाना मत ये, मतलब ऑडियंस को दिखाने लायक नहीं, मेरी ऑडियंस ना स्टॉक को पहले ही मिल चुकी है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया, दिखाने लायक नहीं है बिल्कुल भी, ये नीचे का फिर भी ठीक है, ये मतलब सबसे मतलब लिटरली बहुत बढ़िया ड्रेस है, इतने में बेकार नहीं है, एक टॉप है ठीक है, इससे तो पहले वाली फिर भी ठीक लग रही थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब लिटरली ठीक है, कुछ नहीं है इसमें पीछे, बैकलेस कुछ नहीं है इसमें। मेरी ऑडियंस देखो, सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस देख चुकी है, मैंने हॉल किया था उसमें ऑडियंस ने ये वाला मेरा टॉप देख लिया था, मुझे पहने हुए भी देख लिया था, तो ये डरने का कोई मतलब नहीं है, टाइम से इसे किसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं यार तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो यार, दूसरी ऐसे मत करो, अच्छा ठीक है, दूसरी बात ये ठीक है, टॉप थोड़ा सा देखो, टॉप थोड़ा सा है ऐसा ठीक है, पर पैंट ठीक है, पैंट तो ठीक है ना, आप बस पैंट तो ठीक है, नहीं टॉप जो है ना वो थोड़ा सा है, और अगर आपको वेयर करना है ना इसको और आपको इतना कंफर्टेबल आप फील नहीं कर रहे, तो जो फर वाली कोट आता है ना वो आप वेयर कर लेना, वो अच्छा लगे, या फिर लेदर जैकेट पहन लेना वो भी अच्छा लगेगा, तो मुझे पफर जैकेट पहना दिए जो कि मुझे नहीं पता कैसी लगेगी, सो देख ही लेती हूँ, सो पफर जैकेट के साथ इतना मस्त मजा नहीं आ रहा, तो आप लेदर जैकेट वेयर करना अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस तरह के टॉप में, तो आपको ये बहुत घटिया और बहुत वाहियात लगा है सबसे अब तक का। चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट आउटफिट जल्दी आ जाओ मैडम, क्या बात बड़ी देर लगा रहे हो आज, जल्दी आ जाओ, कहाँ रह गए, आ रही हूँ आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ओहो साड़ी आज तो मैडम, जब आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो मैडम, जब भी ऐसा आउटफिट करती है ना तभी इतनी देर लगाती है, ऐसा आउटफिट नहीं, जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना तब मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज़ मुझे साड़ी पहननी आती नहीं है, लेकिन आज फिर भी आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आज आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये वाले कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आज तो मैंने बहुत सारे कपड़े पहन लिए, नहीं लेकिन ये फिर भी अच्छे हैं, और एक बार तुम मेरे पास आओ बैठो, कैसी लग रही है, हाँ अच्छे लग रहे, बाकी अगर ब्लाउज भी फुल स्लीव्स का होता तो ज्यादा अच्छा लगता वैसे, ऐसी बात नहीं, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है यार, फुल स्लीव्स पहन के अगर मान लो गर्मी होगी फॉर एग्जांपल, तो गर्मी में मैं कैसे फुल स्लीव्स पहन के जाऊंगी, तो मुझे गर्मी लगेगी ना, बाकी तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे पे चल सकते हो जैसे, अच्छा ये कपड़े पहन के फाइनल है, तो गाइस फाइनली मेरे वैलेंटाइन डे के कपड़े डिसाइड हो गए, मैं इनको पहनने वाली हूँ, आई डोंट नो, खैर मैंने साड़ी वाड़ी कुछ ऐसा ही सोचा हुआ था, बट ये कुछ डिसाइड नहीं कि मैं सीको वेयर करूंगी और ऐसा ही लुक क्रिएट करूंगी, बिकॉज ये इयररिंग्स बहुत हैवी से लग रहे हैं, बट अगर आपको कुछ इंडियन आउटफिट पहनना है तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो, सो आपको ये आउटफिट अच्छा लगा? हाँ ये सबसे अब तक का सबसे बेस्ट आउटफिट था, अच्छा चलो सही है, चलो इनको ये आउटफिट सबसे ज्यादा पसंद आया, और आप पहन के चल सकते हो आप मेरे साथ, गाइस आप भी बताना आपको ये आउटफिट कैसा लगा, हाँ ये साड़ी है तो ये पहन के चल सकते हो, बाकी के नहीं पहन के चल सकते, नहीं बाकी के घर में पहन सकते हो आप जैसे रूम में, घर में ड्रेस पहन के और ऐसे सज धज के कौन रहता है, घर में सिर्फ पजामा वगैरह शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, कोई बात नहीं फिर भी आजकल की जो लेडीज हैं थोड़ा सा करती हैं लेडीज क्या सो गाइस क्या बोल रही थी, मैं तो भूल भी गई आपके चक्कर में, मैं ये कह रही थी
कि गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी आउटफिट सबसे ज्यादा पसंद आई है इन सब में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप चाहते हो कि मैं इन फ्यूचर इनके साथ कुछ और वीडियो शूट करूं, सो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं एक मिनट, सबसे पहले आप मेरी ऑडियंस से कुछ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप भी बताना गाइस कि आपको कौन सा आउटफिट फाइनली पसंद आया। मुझे तो जैसे साड़ी वाला आउटफिट काफी अच्छा लगा है। मुझे तो साड़ी वाला आउटफिट ज्यादा अच्छा लगा है। और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये मैडम रियली बहुत मेहनत करती है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप आपकी इच्छा होगी तो आप हमें बुला सकते हो नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैडम चाहे तो वो तो मेरी ऑडियंस बताएगी कि वो हमें साथ में देखना पसंद, मतलब साथ में देखना क्या, मतलब हमारी जो वीडियो है उन्हें पसंद आएगी, तो डेफिनेटली मैं इन फ्यूचर और वीडियोस बनाऊंगी आपके साथ। वो तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है। खैर गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइस।